ईरान और पाकिस्तान में जंग ठनी है। पहले ईरान ने पाकिस्तान में बम बरसाए, इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के अंदर घुसकर हमले किए। दोनों ही हमलों में कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए जवाबी हमलों से नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल इन ताजा झड़पों से पहले पाकिस्तान और ईरान में गैस पाइपलाइन को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ था। एक दशक से भी ज्यादा समय पहले हुआ ये समझौता अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसकी मुख्य वजह कंगाल हो चुका पाकिस्तान है। ईरान लगातार पाकिस्तान पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहा है। उसने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे पड़ोसी देश को मुश्किलें हो। अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि पाकिस्तान कर्ज के महाजाल में डूब सकता है। खुद पाकिस्तान तो इस बात का अंदाजा है, पिछले साल मई में पाकिस्तान की लोक लेखा समिति ने चिंता जताई थी कि पाकिस्तान को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। समिति ने कहा था कि पाकिस्तान अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे नहीं बढ़ाता है तो उसे जुर्माना के रूप में $18 अरब की भारी राशि का भुगतान करना होगा। पाकिस्तान और ईरान ने 4 सितंबर 2012 को घोषणा करते हुए कहा था कि गैस पाइपलाइन परियोजना अक्टूबर 2012 से पहले शुरू होगी और दिसंबर 2014 तक पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक ये अधर में लटकी हुई है। ईरान ने इस बीच पाकिस्तान की कई बार नोटिस जारी भेजा है और $18 अरब के जुर्माने की चेतावनी दी है। पिछले साल ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आईपी गैस लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में उसने पाइपलाइन नहीं बिछाई तो वो मध्यस्थता अदालत का रुख करेगा। ये पाकिस्तान को जारी ईरान का तीसरा नोटिस था। बता दें ईरान ने इससे पहले 2022 में नवंबर दिसंबर में अपना दूसरा नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान फरवरी से मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में ईरान पाकिस्तान गैस लाइन परियोजना के एक हिस्से का निर्माण करे या फिर $18 अरब का जुर्माना देने के लिए तैयार रहे। परियोजना के तहत निर्धारित समय के भीतर पाकिस्तान के क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने के लिए मध्यस्थता अदालत में जाने के लिए फरवरी 2019 में इस्लामाबाद को एक नोटिस भेजा था। इसने गैस बिक्री खरीद समझौते के तहत आने वाले जुर्माने को लागू करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान के मुकाबले ईरान एक अमीर देश है जिसके पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। पाकिस्तान पहले से ही महंगे तेल और गैस के झंझट से जूझ रहा है। ऐसे में उसने इराक से सस्ती गैस के वास्ते ये समझौता किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही विदेशी कर्ज के जाल में गले तक डूबा हुआ है। बता दें पाकिस्तान यह तर्क देता रहा है कि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वह अपने क्षेत्र में इस परियोजना को अमलीजामा नहीं पहन पा रहा है। हालांकि ईरान के अधिकारियों इस तर्क से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध उचित नहीं है। इराक और तुर्की लंबे समय से ईरान से गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका प्रतिबंधों पर छूट हासिल कर ली है। इसी तरह भारत को भी अपने जरूरतों के लिए ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करने की छूट मिली है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने यह जानने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की है कि अगर ईरान आईपी गैस लाइन का हिस्सा बन जाता है तो क्या ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।